Subscribe to the channel by pressing the red like button and do not forget to press the bell SKY six to tenth and Math Solution Size two point two. क्लास सिक्स ठीक है देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ़ द फ्लोइंग यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है ठीक है यहाँ पे 297 हंड्रेड नाइन्टी इंटू सेवेंटीन प्लस 297 हंड्रेड नाइन्टी इंटू थ्री फिर यहाँ पे दिया हुआ है 54,279 फोर थाउजेंड टू ठीक है प्लस 82 54,279 यानी कि यहाँ पे दिया दो सौ संतानवे गुना सत्रह प्लस दो सौ संतानवे गुना तीन तो इसको देखिए एक चीज आपका इसमें कॉमन है दो सौ संतानवे इसमें भी है दो सौ संतानवे इसमें भी है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा दो सौ संतानवे को बाहर निकाल लिए क्या बचा आपका अंदर सत्रह और तीन ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ट्वेंटी ठीक है अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं दो सौ तो चौदह के चार दोनों अठारह एक उन्नीस के नौ दोनों चार एक पाँच एक जीरो तो एक जीरो यहाँ पे डाल दिए ओके आंसर आ गया सेम ऐसा भी यहाँ प्रोसेस हमको करना है ठीक है देखिए इसमें भी जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है वही संख्या आपका यहाँ पर भी, भी है तो इसको और इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह डाल भी सकते हैं नहीं डालते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पे नाइन्टी टू बचा अंदर और प्लस में क्या बचा आपका एट यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ठीक है अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा सौ होगा गुना सौ ठीक है हंड्रेड हो गया मल्टीप्लाई करते एक में तो यही संख्या होगा टू सेवन नाइन इंटू सॉरी डबल जीरो आपका ये आंसर हो गया उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर सी में देखिए यहाँ पे इक्यासी दो सौ पैंसठ गुना एक सौ उनहत्तर माइनस इक्सी दो सौ पैंसठ गुना उनहत्तर तो इसमें देखिए इसमें यह जो संख्या है और यह दोनों इक्वल है इसलिए इसको हम बाहर निकालेंगे तो इक्यासी दो सौ पैंसठ बाहर निकल गया अंदर बच गया आपका वन सिक्स नाइन माइनस सिक्स नाइन एक सौ उनहत्तर में से उनहत्तर घटाएंगे कि तो कितना होगा आपका हंड्रेड बचेगा सिर्फ ठीक है तो हंड्रेड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तभी हमने बताया कि जो जीरो की संख्या हो और वन दिया हो तो वन से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्या हो जाएगा और जितना जीरो यहाँ पर आता है उस जीरो को यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है थ्री एट फोर फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन एट टू ठीक है फिर प्लस है यहाँ पे तो सेवन सिक्स नाइन इसको हम तोड़ दें तो हो जाएगा पाँच गुना पाँच यहाँ पे गुना में दो सौ अट्ठारह हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए इसको हम गुना कर देते हैं तो इसको भी हमको गुना करना पड़ेगा तो पहले एक स्टेप इसको करते हैं पहले हम इसको ऐसे उतार देते हैं यहाँ पे थ्री एट फोर फाइव ठीक है मल्टीप्लाई फाइव हो गया फिर यहाँ पे सेवन एट टू प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तपानवे तो पैंतालीस के पाँच पाँच छतीस चार चौंतीस के चार पाँच सौ पैंतीस और तीन कितना होगा अड़तीस यह पाँच बचा और यह दो सौ अट्ठारह अब एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या है ठीक है यह संख्या और यह संख्या दोनों इक्वल है इसमें भी पाँच है इसमें भी पाँच है तो इस दोनों को कॉमन निकालते हैं थ्री एट फोर फाइव इंटू फाइव को कॉमन निकाल दिए तो इसमें आपको एक यह संख्या बच रहा है एक यह बच रहा है ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं ठीक है इसको प्लस कर देते हैं तो आपका कितना आएगा देखिए आठ दस के जीरो ठीक है यानी आपका यह एक हज़ार होगा कितना होगा एक हज़ार पाँच साफ पीस में गुना कर दीजिए पचास पचीस के पाँच पाँच छः के बीस दो बाईस के दो हाथ में लगा दो पंद्रह अठ चालीस दो बयालीस के दो हाथ में लगा चार पाँच पंद्रह चार उन्नीस कितना जीरो दिखाई दे रहा है थ्री तो थ्री जीरो यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका फोर ठीक है न आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब